कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ भारत का विरोध ही नहीं झेलना पड़ रहा है बल्कि नाकामी की वजह से कनाडा के नागरिकों में भी ट्रूडो के प्रति असंतोष है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कनाडा में बड़े पैमाने पर संकट है जिसे ट्रूडो संभालने में असमर्थ है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कनाडा में बड़े पैमाने पर कानून और व्यवस्था की समस्या है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कनाडा में पैसों की कमी की वजह से पुलिस विभाग में भर्ती रुकी हुई है। कनाडा के शहर सरे में भारत विरोधी प्रदर्शन सबसे ज्यादा होते हैं, जहां 1500 पुलिस कर्मियों की जरूरत है लेकिन वहां 500 से 600 पुलिस कर्मी ही है। खबरें तो यहाँ तक है कि कनाडा में कॉर्पोरेट दिवालियापन और चूक बढ़ रही है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ भारत विरोधी गतिविधि चलाने के सबूत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी। साथ ही कनाडा में नशीली दवाओं और डकैती जैसी आपराधिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा में 25 सितंबर को खालिस्तान के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन में पाकिस्तान के लोगों को शामिल करने की बड़ी साजिश रची गई है। मतलब कनाडा और भारत के खराब होते संबंधों का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस खतरनाक प्लान को तैयार किया ताकि भारत के खिलाफ कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों को और भड़काया जा सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 25 सितंबर को कनाडा के ऑटवा समेत वहां के कई शहरों में भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान के समर्थन में प्रदर्शन करने की तैयारी की गई है और दावा है कि इस प्रदर्शन को कामयाब बनाने के लिए ISI ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खुफिया एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि ISI ने कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों को पहचान छिपाकर प्रदर्शन में शामिल होने का फरमान जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक ISI के एजेंट भारत के खिलाफ भड़काऊ पोस्टर और बैनर तैयार करने में भी खालिस्तानी आतंकियों की मदद करने में जुटे हैं। यहां तक कि प्रदर्शन के लिए खालिस्तान समर्थकों को लाने और ले जाने के लिए ISI बसों का भी इंतजाम कर रही है। उधर भारत का दौरा रद्द होने के बाद कनाडा के गायक शुभनीत सिंह उर्फ शुभ के सुर बदल गए। मुंबई समेत कई दूसरे शहरों में होने वाले शो से कुछ रोज पहले शुभ ने सोशल मीडिया पर भारत का गलत नक्शा पोस्ट किया था। आरोप लगे, मुंबई में तो शुभ के कार्यक्रम के पोस्टर फाड़ दिए गए थे। विरोध जताते हुए BJP के कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर पर कालिक तक पोत दी थी। यहाँ तक कि शुभ को स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। लेकिन भारत में अपने कार्यक्रम रद्द होने के बाद शुभ के सुर बदल गए। इस पूरे विवाद के बाद उन्होंने पहली बार बयान दिया जिसमें उन्होंने शो रद्द होने पर निराशा जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साझा किए बयान में उन्होंने ये भी बताया कि वो पिछले 2 महीनों से भारत दौरे के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और अपने लोगों के सामने प्रदर्शन के लिए बेहद उत्साहित थे। कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनके की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक अकाउंट पर लेने की बात को उसके वकील ने सरासर गलत बताया है। वकील ने कोर्ट को बताया कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने कहा कि वो अभी जेल में है और अगर जेल से कोई ऐसा कर रहा है तो इससे जेल अथॉरिटी पर भी सवाल उठते हैं। इनके ऊपर जो झूठे इल्जाम एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उनके पीछे कोई तथ्य है नहीं। वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, ऐसा कोई वाकई को अंजाम देने के लिए उसके पास कोई ऐसे संसाधन नहीं है। यदि ऐसा कुछ है और ऐसे कोई संदिग्ध उसके पास संसाधन प्राप्त किए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर जेल अथॉरिटीज ने तो उसका स्पष्टीकरण करें। कनाडा के पिनिपेग सिटी में सुखदूल सिंह की गोली मारकर हत्या हुई थी। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने खबर दी कि जब से जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से वहां कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। वहां पुलिस कर्मियों की भारी कमी है, ऐसी कमी कि अपराधी ही पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। मगर अपना घर संभालने के बजाय ट्रूडो